हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टर माइंड। टुडे आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकंड लेसन, द चिल्ड्रन एट वर्क। जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो हमने इसे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है बच्चों। उसका जो आपको लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस लेसन को रीड कर सकते हैं। तो उसमें वो जो एक मैरिज हॉल पे पहुंच जाते हैं, इससे पहले स्टोरी में हमने पाया था कि जो वेलू और वो लड़की है वो एक मैरिज हॉल के सामने पहुंच जाते हैं और वो कहता है कि हमें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो कहती है कि कुछ होप्स हैं, मतलब कुछ आशा है। सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, और उसने अपना जो नोज के नीचे अपना थंब लगाते हुए कहा कि कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और वो फिर उसको पीछे पीछे हॉल के पीछे लेके गई है। वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन पड़ा है, मतलब डस्टबिन है, ओवरफ्लोइंग विद रबिश, मतलब सड़ी हुई चीज़ों से वो बिल्कुल ओवरफ्लो करा, लबालब भरा हुआ है। वहाँ पे जो गोट्स थी, वो दो बकरियाँ थी, वहाँ पे स्टैंड खड़ी हैं उस डेयरी के सामने, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और दोनों ये के उसके बनाना लीफ के लिए, बनाना के पत्ते के लिए दोनों ही फाइट कर रही हैं। और क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ट अराउंड देयर लेग्स, और वहाँ पे उनके जो उन बच्चों की जो लेग्स हैं उनके आसपास जो मक्खियों के बादल के बादल बिन बिना रहे हैं। और वहाँ पे कुछ मतलब एयर में काफ़ी रोटन स्मेल, सड़ी हुई स्मेल आ रही है। और गर्ल ने एक स्क्वेसी बनाना, मतलब दबा हुआ एक बनाना उठाया और उसको वेलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेयर इज़ योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वो शॉक्ड, आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या तुम इन लोगों का बचा हुआ खाना खाते हो। शी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग, आई ओनली टेक अनटस्ट फूड। और वो थोड़ा सा मतलब उसको घिन आती है उससे, और वो कहता है कि मैं कोई डॉग थोड़े ही हूँ, मैं अनटस्ट फूड खाता हूँ, एयर सम मोर कैच। वो कहती है कि ले, वो थोड़ा सा और मिल गया। शू थ्रू हिम अ वड़ा, और उसकी तरफ एक वड़ा भी फेंकती है। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेंस डिस्टेस्ट, और वो उसको मतलब उदासी भरी निगाहों से, मतलब एक थोड़ी सी उबाऊ सी निगाहों से उसको देखता है। वो कहती है कि हीरो, आओ आओ खाओ इसे। यू थिंक, तुम्हें लगता है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाना खरीद लूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यदि तुम यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम्हें खाना अच्छा तभी मिलेगा जब तुम अपना पैसा कमाओगे, तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तुम अच्छा कुछ खा पाओगे। वेलू ने शुरू में तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी एजिटेशन दिखाई, लेकिन उसका जो पेट था वो उसको मतलब चू चू कर रहा था, पेट उसका जो बज रहा था भूख से। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, और उसने पूरे का पूरा जो बनाना था और वड़ा था वो गल्प लिया, मतलब ऐसे निगल लिया। और उसका जो स्टमक था उसमें थोड़ा सा इमीडिएटली तुरंत उसको थोड़ा सा बेटर फील हुआ। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times more, और इससे भी 10 गुना उसको खा सकता था, मतलब उसको भूख थी, इतनी भूख थी कि इससे 10 गुना मिल जाता तो शायद वो भी खा लेता। लेकिन गर्ल्स को और कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक बनाना ही मिला और वो उसने खुद खा लिया। और ये काफ़ी मतलब इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। मतलब वो कहती है कि यदि तुम्हें और ज़्यादा भूखे हो, कुछ और चाहिए, तो जब तक ये लोग अंदर वाले फिनिश नहीं कर लेते लंच, तब तक वेट करना पड़ेगा। जब वो अपने प्लेट्स वगैरह बाहर डालेंगे तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा खाने को मिल जाएगा। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, ये वो कहती है कि तुम यदि चाहो तो तुम वेट कर सकते हो, लेकिन मुझे तो काम पे जाना, मैं जा रही हूँ। और उसने अपना जो पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, वहाँ से जो हिप में ढेर में पड़ी हुई थी बॉटल्स, उनको उठाया और अपने बोरे में डाल लिया और वहाँ से वो चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, पैनिक होता है थोड़ा सा पैनिक में आना, दर्द फील करना। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने सोचा कि यदि ये लड़की भी उसको छोड़ देगी तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे जाए क्या करे, तो ये बेटर था कि उससे वो चिपका रहे, मतलब उसके पीछे पीछे चलता रहे। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन, और इस तरह वो उसको कुछ रास्ता दिखा सकती थी और उसके पीछे पीछे चल दिया। आई ही कॉल्ड, उसने कहा कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम, आई व्हाट्स योर नेम, और वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्ट हरिंग बिहाइंड हर, उसने उसके पीछे पीछे भागते हुए उसका नाम पूछा। वो रुकी और उसने उसके और देखा, ओए सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माइन, अच्छा तुम मेरा नाम जाने भी ना ही मेरे को इतने दिन से फॉलो कर रहे हो। तो वो कहती है कि जया, मेरा नाम जया है, आई एम नॉट फॉलोइंग यू। वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, तुम्हारे पीछे नहीं चल रहा हूँ। वट देन हु गोट यू फूड, अच्छा बताओ बताओ खाना किसने दिलाया। तो वो कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, तो वो बच्चा पूछता है उससे वेलू, क्या मैं तुम्हारे साथ साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि कम इफ़ यू वॉन्ट, यदि चाहते हो तो आ जाओ, जो मेरा बैग है ये फुल है, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, क्योंकि मेरा जो बैग है वो फुल हो गया और मुझे घर पर जाना पड़ेगा दूसरा बैग लेने के लिए। और इस तरह जो थर्ड सीन है वो हमारा वो आता है, देर इज़ अ रो ऑफ हार्ट्स
नियर सम डर्टी पडल्स, और वहाँ पे कुछ जो हट्स हैं वो दिखाई देती हैं, बहुत मतलब सम डर्टी पडल्स, कूड़े के ढेर के पास गंदी गंदी हट्स दिखाई देती हैं, और उन एक हट्स के सामने जो जया वो अपना सहक है जो बोरी है उसको उतार देती है, और ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेल्यू थिंग्स ऑफ हिज डेज अहेड, और अपना थोड़ा सा अपने फ्रेंड के प्रति वो थोड़ा सा ग्रेटफुल मतलब आभार व्यक्त करता है और आगे आने वाले दिनों के बारे में सोचता है। जो जे आर वेल्यू है वो अलोंग रोड्स फोर हाफ एन आवर, और वो आधे घंटे तक लगभग वो रोड पे चले, अंटिल दे केम टू ए ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, और एक पानी के गंदे गड्ढे के पास वो आ गए। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, अब वो कहती है कि अब हम ट्रिप्लिकेन में आ गए हैं। सी दैट इज़ बंकिंगम कैनाल सेड जया, जया ने कहा कि देखो ये हमारी बंकिंगम कैनाल है, मतलब उस डर्टी प्लेस को थोड़ा सा फनी वे में बात करती है वो, थोड़ा सा उसका फनी नेचर, वो कहती है कि देखो हमारी ये बंकिंगम नदी है। वेलू स्टेयर्ड दिस वॉज ए कैनल, वो थोड़ा सा घूर के मतलब हैरान होकर देखता, अच्छा तुम इसको नदी नहर कहते हो। नियर सम पुडल्स ऑफ वाटर वो जाए रो ऑफ स्ट्रेंज हर्ट्स ही हैड एवर सीन, और वहाँ पे जो पानी का वो था गड्ढे थे उनके पास उसको थोड़ी सी कुछ अजीब सी कुछ हर्ट्स दिखाई दी, देवर जो उसने कभी नहीं देखी थी, और वो किससे बनी हुई थी, मेटल शीट्स टायर्स ब्रिक्स वुड प्लास्टिक इन जो वेस्ट मटेरियल था इनसे वो बनाई गई थी। दे स्टूड क्रोकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और वो इनको देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन हट्स को देख के वो किसी भी टाइम गिर सकती हैं। तो वो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पे रहते हो, दिस हाउस आर स्ट्रेंज, वो कहता है कि ये तो बड़े अजीब से घर हैं, हमारे गांव में तो जो घर थे वो मड और पाम लीव से बने होते थे। तो बच्चों ये जो आपके क्वेश्चन हैं इनसे भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है कि गांव के घर कैसे थे और जो शहर में घर हैं चेन्नई में वो कैसे हैं। जय वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डंप्ड हर सैक आउटसाइड, और उसने अपना जो सैक थी बोरी लेके आई थी वो वहाँ पे उसका ढेर लगा दिया, और उसने इस तरह दूसरी खाली बोरी ले ली। लेट्स गो, और वो कहती है कि चलो फिर से चलते हैं। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शो, और वो वेलू की तरफ मुड़ी और उसको उसने शो मतलब थोड़ा सा पुराना सा कुछ दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ हेयर वियर दिस एंड कम विद मी, और वो कहती है कि ठीक है इसे पहन लो और चलो मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश द सैक एंड स्टिक इन टू हिज हैंड, और उसने फिर के उसकी तरफ पुराने जूते फेंकते हुए जिनमें लेसेस नहीं थे वो उसकी तरफ फेंकते हुए कहा कि इन्हें पहन लो, ये बोरी लो और ये अपने हाथों में स्टिक ले लो। और वेलू था वो काफ़ी कन्फ्यूज था, वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू, उसे पता नहीं था कि वो उससे क्या काम करवाना चाहती है। ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज एन लैंड ओनर्स फार्म वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज, उसने अभी तक जो गाँव में काम किया था वो किसी लैंड ओनर के फार्म हाउस पर काम किया था। वीडिंग मतलब खेतों में जो जुताई वगैरह का काम होता है, खेतों से घास वगैरह निकालना, उसको वीडिंग कहते हैं, और गायों को चराने ले जाता था, बस उसने यही काम किए थे। तो वो उसे पूछता है जैसे कि क्या यहाँ पे शहर में फार्म हाउस हैं खेत हैं, वो हंसती है और जो अपने थंब डर स्टिक ऑन द ग्राउंड अपने जो स्टिक है उसको वो उस पर पटकती है ग्राउंड पे। फार्म्स देर आर नो फार्म्स हियर वी आर रैग पिकर्स, वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई खेत वेत नहीं है, ना फार्म है ना फार्मर्स हैं, हम सिर्फ कूड़ा उठाने वाले रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा उठाने वाले। रैग पिकर्स सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, देखो मेरी बोरी देखो मैंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं। वो कहता है कि कहाँ से कलेक्टेड की, फ्रॉम रबिस बेन्स वेयर एल्स, और कहाँ से, कूड़े के ढेरों से की हैं, डस्टबिन से इकट्ठी की हैं। यू कलेक्ट रबिश, वो कहता है कि तुम कूड़ा इकट्ठा करते हो। वेलू नेवर हैड हर्ड ऑफ सच ए थिंग, और उसने वेलू ने ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। आई ब्लॉक हैड इट इज़ नॉट एनी रबिश ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स वी सेल इट टू जाम बाजार जगू, और वो कहती है कि हम सारी इनको जाम बाजार जगू है वहाँ पे इनको बेच देते हैं, ये कूड़ा नहीं है, प्लास्टिक ग्लास हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इन हम सबको जाके उस बाजार में मार्केट में बेच देते हैं। वेलू आज पजल्ड, वेलू था वो काफ़ी पजल्ड था, काफ़ी शौक था, उसने लोगों को हमेशा रबिश मतलब कूड़े करकट को फेंकते हुए सुना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना था कि कोई कूड़े को खरीदने वाला भी होता है, कूड़े को बेचते हुए उसने खरीदते हुए बेचते हुए कभी नहीं सुना था। हु इज जैम बाजार जग्गू, ये कहता है कि ये जैम बाजार जो जग्गू है ये कौन है, वाई इज़ बाइंग ऑल दिस, वो क्यों खरीदता है इन सारी चीज़ों को। यू थिंक ही बाइज इट फॉर द शो, तुम्हें लगता है कि वो कोई शो करने के लिए, कोई शो दिखाएगा इनका उसके लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू फैक्ट्री, वो फैक्ट्री वालों को बेच देता है। कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसों पे टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और वेलू आगे नहीं बढ़ा, ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गारबेज बिन्स,
और वो ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गारबेज बेंस। जया पोक्ड एट हिम विद अ स्टिक, और जया ने उसको थोड़ा सा स्टिक से, मतलब वो यहाँ पे ये गारबेज की बेंस को खोद के कूड़ा निकालने के लिए नहीं आया था, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा स्टिक से उसको पोक्ड किया। लुक हियर शी शाउटेड, उसने मतलब उसको कहा कि देखो इधर देखो, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि कोई हमसे पहले पहुँच गया ना तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, कि हे हीरो यहाँ पे मत खड़े रहो ऐसे पोज बना के, चलो मेरे साथ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टूडे, वो फिर से उसको वही बात रिमाइंड करा देती कि अच्छा बताओ तुम्हारा आज पेट किसने भरा, तुमको जो भोजन आज किसके कारण मिला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, और वेलू ने अपना सर थोड़ा सा खुजलाया और आहा भरी और कहा कि चलो ठीक है, जब तक मुझे कोई बेटर जॉब नहीं मिलती तब तक मैं ये काम कर लेता हूँ। तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी, किस तरह छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है। तो मतलब इस कहानी से हमें एक लेसन मिलता है कि कभी भी अगर पेरेंट्स कुछ भी कहें तो कभी भी बच्चों को घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए, अदरवाइज वही होता है जो वेलू के साथ होता है, बाहर जाके हमारा हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। तो बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स की जो डांट फटकार उसको अदरवाइज मत लो, उसे एज ए लेसन लो, एज ए मोरल लो, और उस पर उसको उस जैसा पेरेंट्स चाहते हैं वैसे ही करो। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी विद यू विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन।